आजकल कॉलेज में आने का मन ही नहीं करता, बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, अब तो तुझे बोर लगेगा ही ना, कोई बकरी जो नहीं फंसा पा रही है तू। यार राहुल, तू हर मंथ जेब चेंज करती है, कभी एक के साथ तो टिक के दिखा। अब क्या ही बोलूँ तुझे, लड़कियाँ बस मुझे एक मंथ के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद मैं बोर हो जाता हूँ यार। हाँ हाँ, तेरा ही दिन है। अपना मुझको अब कौन कहेगा, ये लड़की तो इधर ही आ रही है। आप बता सकते हैं प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? एक्चुअली मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना, मुझे पता नहीं है कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। रुमा तू रुक, मैं दिखा के आता हूँ। मिल गई बकरी, अब कॉलेज में मैं बोर नहीं होऊंगा। वैसे आप कहाँ से हो? मैं सिलीगुड़ी से। और आप? I'm also. Nice to meet you. ये रही प्रिंसिपल की ऑफिस। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। ओके, पर मैं आपको बुलाऊंगी कैसे, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। माय नेम इज राहुल, नाम तो सुना होगा। राखी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओह सॉरी, आपको कोई भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, अगर आपका नंबर मिल जाता तो। ओ हाँ, हमने तो नंबर एक्सचेंज किया ही नहीं। ठीक है, आप मेरा नंबर लिखिए, 9825। बकरी मिल गई, अभी देखो इसको मैं कैसे जाल में फंसाता हूँ। किसी नहीं के आ जाने। रुमा ये देख, वो लड़की का नंबर मिल गया। क्या? लड़की को तो नंबर भी दे दिया। मुझे कौन सा लड़की नंबर नहीं देता? I am Rahul. राहुल को फोन करूं? नहीं, एक लड़की होके मैं कैसे राहुल को पहले फोन कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कर ही लेती हूँ। हेलो राहुल। हाय राखी, मैं व्यू पॉइंट में हूँ। ओ अच्छा, ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। राहुल को लगता है कि वो मुझे फंसा रहा है, पर उसे क्या पता वो खुद मेरे जाल में फंस रहा है। आपका नाम क्या है? ये मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। हेलो, क्या तू चुप है? तो ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे अभी जाना होगा गाइस। अपना मुझको क्या हो गया हो उसे? अब कौन कहेगा, तू ही उसकी रोने की आवाज आ रहा है ना। हाँ यार, बिना बेवजह बेकार हूँ मैं। वो तो राखी है ना, वो क्यों रो रही है? चल चल देखते। तेरा यार हूँ मैं। क्या हो राखी, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ राखी, क्या हुआ तुम्हें? और कल से अचानक इतना पता ही चली गई तो? कल जब मुझे फोन आया था ना, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है, मुझे 2 लाख की जरूरत है। मैं किससे मांगू 2 लाख? कौन देगा मुझे 2 लाख? तुम रो मत राखी, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे पैसे दो, फिर मैं तुम्हें लौटाऊंगी कैसे? लौटाने की जरूरत है, तुम्हारी माँ तो मेरी माँ जैसी है ना। तुम बैठो, मैं पैसे की इंतजाम कर दूँ। चल रुमा। राहुल तू होश में तो है? तू राखी को 2 लाख रुपए दे रहा है? हाँ, पता नहीं क्यों
राखी को मैं उस लड़के में नहीं देख पा रहा था। फर्स्ट टाइम मैं तुझे किसी लड़की के लिए इतना इमोशनल होते देख रहा हूँ। कहीं तू प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? शायद हाँ। रूमा, क्या प्यार ऐसा ही होता है? हाँ, प्यार ऐसा ही होता है। तुझे राखी से सच में प्यार हो गया, इसीलिए तो तुझे राखी का दर्द नहीं देखा जा रहा था। राहुल, तुझे सच में प्यार हो गया है, वो भी सच्चा वाला। अब तू मुझे चिढ़ा मत, चल राखी को पैसा देना। राखी, ये लो पूरे 2 लाख रुपए, इससे अपनी माँ की अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू राहुल, पता नहीं मैं तुम्हारा क्या शुक्रिया अदा करूं। राखी, राहुल तुमसे प्यार करता है। आज तक मैंने किसी भी लड़की के लिए राहुल को इतना इमोशनल होते नहीं देखा है, पहली बार देखा है तुम्हारे लिए। ये तुमसे सच्चा वाला प्यार करता है। हाँ राखी, तुम सच कह रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसा पहली बार हुआ है। राहुल, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, बस मैं बोल नहीं पाती थी। राहुल, मुझे अभी जाना होगा, माँ का ट्रीटमेंट भी तो करना है ना, कल मिलते हैं। तू जो छोटा, मुझे प्यार हो गया रुमा, मुझे प्यार कर, मेरा पहला प्यार मेरे को मिल गया है। तू चुप है तो ये डर लगता है, बस कुछ ही वक्त, उसके बाद मैं और राखी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब कौन, ये राहुल ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और आ भी नहीं रहा है। राखी, राहुल हम जा क्या रहे हैं, बोलना। हम दोनों के लिए एक सरप्राइज है, चलना। अरे बोलना, तो कहाँ जा क्या रहे हैं हम? अरे बोलना राहुल, जा क्या रहे हैं हम? सरप्राइज ये है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और मैंने सारे इंतजाम भी कर लिए। इतना सोच के रह, तू बस चल। राहुल, तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और रही बात शादी की, तो मैं तुम जैसे लड़के के साथ कभी शादी कर भी नहीं सकती। ये क्या मजाक है राखी? ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। 6 महीने पहले की बात याद है? मंदिरा, मंदिरा, राहुल तुझे बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना, ये ले, इसमें पूरे 2 लाख है, और जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर और हम लोग जल्दी से शादी कर लेंगे। थैंक यू मंदिरा, तुम उससे इतना प्यार करती है? हाँ, ओह आई लव यू राहुल। राहुल, तेरा बिजनेस तो अभी अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग शादी कर ले। क्या शादी की बात कर रही है? देख मंदिरा, मैं तो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, इतने दिन जो भी हुआ बस टाइम पास था एक। ये तू क्या बोल रहा है? जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं तेरे से पक चुका हुआ यार, अभी तेरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, चल। अरे ये तो राहुल है, यही तो राहुल है। क्या तुम्हारा ही नाम राहुल है? हाँ, मैं हूँ राहुल। मैं मंदिरा की दीदी हूँ, और मंदिरा तुम्हारे बिना बहुत बुरा हाल है उसका, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो? देखो दीदी, मैं आपके बहन से कोई प्यार व्यार नहीं करता, और अपने बहन को संभालिए, चल रुमा। ये राहुल तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, अब मेरी बहन का क्या होगा? राखी, तू कैनल के सामने जल्दी आ जा। क्या हुआ दी, आपने यहाँ अचानक क्यों बुलाया मुझे? और मंदिरा, तू रो क्यों रही है? क्या बताऊँ राखी, राहुल नाम का एक लड़का है जो इसके कॉलेज में पढ़ता है। तू जो छोटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना। आप टेंशन मत लो, उस राहुल को उसकी किए की सजा मिल के रहेगी। और मंदिरा, तू ऐसे लड़की के लिए रो रही है? ठीक कहा राखी तूने, मुझे नहीं रोना चाहिए था, अब रोएगा राहुल। आप बस मुझे उस लड़के का एड्रेस बताओ, और हाँ, कॉलेज कहाँ है तुम्हारा? बहुत शौक था ना तुझे लड़कियों के दिल के साथ खेलने के लिए, अब तुझे पता चलेगा कि दिल टूटता है ना तो कैसा लगता है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी दोस्त की बदला लेने आई थी, और मेरा बदला ना
पूरा हुआ। तुझे ऐसे देख के ना मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। राखी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने गलत किया है लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ ना। जितना तू मुझे प्यार करता है ना उससे डबल मैं अपनी दोस्त से प्यार करती हूँ। और आइंदा ये शक्ल लेके ना मेरे सामने मत आना, समझे? राखी राखी प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ।